ओम प्रकाश राजभर भरोसेमंद नहीं है, विवादित बयानों के वीर है ओम प्रकाश राजभर। आखिर ओम प्रकाश राजभर से क्यों दूरी बना रही है बहुजन समाज पार्टी? बीएसपी नेता राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को ट्वीट किया, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यूपी की राजनीति में उन्हें इंस्टीट्यूट के मायने तलाशे जा रहे हैं। आखिर कौन है वह स्वार्थी और अवसरवादी जो बहन जी के नाम के सहारे अपनी दुकान चला रहा है? वह किससे पार्टी नेताओं को सावधान कर रहे हैं? गौरतलब है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उनकी पहली पसंद बसपा है। इंस्टीट्यूट के बाद लोगों का अनुमान एक ही तरफ जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आकाश आनंद के इंस्टीट्यूट में निशाने पर सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ही हैं। इसकी वजह भी साफ है। हाल ही में सपा से ब्रेकअप कबूल करने पर राजभर से विकल्प के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती की खुलकर तारीफ की, यहां तक कहा कि उनकी पहली पसंद बसपा ही है। इतना ही नहीं, अखिलेश की तरह मायावती पर भी एसी से बाहर न निकलने की बात पर उन्होंने कहा कि वह लगातार लोकसभा चुनाव में बैठक कर रही हैं, संगठन को मजबूत कर रही हैं और पार्टी पदाधिकारियों को काम सौंप रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बसपा की इतनी तारीफ के बावजूद पार्टी इनसे दूरी बना रही है, आइए जानते हैं क्या वजह है। ओम प्रकाश राजभर पुराने बसपाई हैं, उनका इतिहास बसपा को पता है। बसपा का मानना है वह भरोसेमंद नहीं है। राजभर ने भाजपा और सपा के साथ भी गठबंधन किया लेकिन किसी के साथ टिके नहीं, जिसके साथ रहे उसके लिए अपने बयानों से मुश्किलें खड़ी करते रहे। वहीं दूसरी तरफ मायावती से रहे विवादित रिश्ते ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर के मायावती से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। मायावती से विवाद के बाद ही उन्होंने बसपा छोड़ी थी। बसपा और मायावती से राजभर के रिश्तों को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में बसपा संस्थापक कांशीराम के साथ राजनीतिक शुरुआत की। वह 2001 में मायावती से विवाद के बाद पार्टी से अलग हुए थे। जिला भदोही का नाम संत कबीर नगर रखे जाने से वह नाराज थे और अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी। वह 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और जीतने के बाद मंत्री भी बने। वहाँ भी मंत्री रहते हुए सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। 2022 के चुनाव से पहले वह सपा में शामिल हो गए। सपा सत्ता में नहीं आई तब से वह सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों राजभर के लिए आसान नहीं बसपा की राह? बसपा प्रमुख मायावती खुद लगातार मिशनरी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तवज्जो देने की बात कर रही हैं। वह विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठकों में स्वार्थी बिकाऊ और विश्वासघातों लोगों से सचेत रहने की हिदायत दे रही हैं। मायावती की हिदायतों के बाद आकाश आनंद का यह ट्वीट बताता है कि राजभर की बसपा में जाने की राह आसान नहीं। वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद के बयान पर सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि यह आकाश की अपनी राय है, हमने सिर्फ अपनी प्राथमिकता की बात की है, हम ना तो बसपा के पास गए हैं और ना ही उसके नेतृत्व से कोई बात की है। सियासत में सब कुछ अनिश्चित है, राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं और उन्हीं के मुताबिक फैसला लिया जाता है। वीर रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।